गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी बजे है मिस गुड मॉर्निंग कब की हो गई हमारी, तो सब सुबह की 5:30 बजे हो जाती है क्योंकि हमने नाश्ता किया जस्ट नाउ फिनिश हुआ। अभी बजे है 12:30 और वैसे नाश्ता तो हमको ख़त्म करके 1.5-2 घंटा हो गया, लेकिन मैंने ब्लॉग शुरू किया है। और जैसे आपको पता है कि जब से मेरी वाइफ थोड़ी सी उसकी हेल्थ इश्यू आए, तो एक दिन वो बनाती है खाना, एक दिन मैं खाना बनाता हूँ। तो आज मेरे नाम पे है आज किचन, तो आज किचन में मैं बना रहा हूँ गोभी, आलू गोभी और दाल भात। रोटी तो बन जाएगी, ठीक है, तो आज मैं बनाऊँगा। वैसे आपके साथ शेयर करूँगा मैं मेरा जो भी मेनू है, वो आपको ठीक लगे तो आप ट्राई कीजिएगा। देखो अभी ये सब तैयार हो गया है, इंग्रेडिएंट्स अभी मैं बनाऊंगा, तो आपको पता चलेगा मैं किस तरह से बनाऊंगा। आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छा भी बना सकते हो, ठीक है। मेरी जो है तो रेसिपी आपको उसके साथ मैं कैसे बनाता हूँ आप देख लीजिएगा प्लीज़। तो आप देख रहे हो मैंने अभी डाला है सरसों का तेल, क्योंकि काफ़ी हेल्दी होता है तेल, तो आजकल हम लोग यही खा रहे हैं। और आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस तेल में कभी कभी औरों को ऐसा प्रॉब्लम है कि इसमें स्मेल बहुत आती है, लेकिन इसका एक उपाय है, इसको काफ़ी हीट कीजिए। हीट करने के बाद जब इसका कलर चेंज होगा ना, तब आपको सब कुछ इसमें ऐड करना है, जिससे कि वो स्मेल निकल जाए और आपको स्वाद भी अच्छा लगे। अभी आप देख रहे हो कि अभी ऑयल का जो वो था वो चेंज हो गया है। अभी इसमें हम लोग बनाएंगे सब्जी, लेकिन ये ऑयल काफ़ी गर्म हो जाता है, तो थोड़ी बात के बाद गैस को बंद कर दीजिए। गैस बंद करने के बाद जब ये तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ये ऑयल ठंडा हो जाए, तब फिर आप सब अपनी जो भी चीज़ है वो ऐड करिए। आप देख रहे हैं अभी मैंने इसमें थोड़ा सा वो डाला था, तो ज़ीरा डाला था। ज़ीरा डालने के बाद मैंने डाला है आलू और मिर्ची और थोड़ी सी हींग डाली थी। और एक बात जो मैंने रख दिया है कुकर, जिसमें हो रही है दाल, तूर दाल। हम लोग ज़्यादा तूर दाल खाते हैं, गुजरातीज बहुत तूर दाल खाते हैं। ऑलरेडी 3-4 सीटी इसमें बज चुकी है, तो और तो राइस हो चुके हैं, तुअर दाल बन रही है, बाजू में सब्जी बन रही है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगा थोड़े से आलू। तो कैसी लग रही है विवेक जीजू की व्लॉगिंग कमेंट सेक्शन में बताना। और देखो भाई, वैसे तो बहुत सिंपल सी सब्जी है, सब लेडीज़ बनाती हैं, पर इनको शौक लग रहा था कि भाई मैं बना रहा हूँ तो शेयर करूँगा। जब भी कुछ बनाते हैं ना, इनका मन करता है शूट करने का, तो आप लोग ज़रूर से लाइक करना। वैसे सिंपल सा ही वे में बना रहे हैं इन्होंने, अभी हल्दी डाल दी हुई है, मिर्ची पाउडर डाल दिया हुआ है और बहुत कम मसालों के साथ बनती है हमारे यहाँ पे सब्ज़ी। और बस अब इसे चला के फिर ये सब्ज़ी डाल देंगे, और ऐसे ही आजकल हम लोग कर रहे हैं। जब से मतलब मुझे वो प्रॉब्लम हुआ था ना, और विवेक को भी, तो एक दिन वो बना लेते हैं सब्ज़ी, और दाल चावल तो सिर्फ रखने होते हैं, लाइक यू नो तड़का वड़का तो मैं ही लगाती हूँ, बस सब्ज़ी वो बना लेते हैं एक दिन, और एक दिन में। और ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जब मुझे टाइम होता है तो पूरा मैं ही बना लेती हूँ। अभी स्वाद अनुसार नमक डालना है। हाँ, और थोड़ा सा अच्छी बने। कभी कभी ये मीनाक्षी मुझे है ना वो सिखा देती है कि नमक इतना डालो, इतना नमक मत डालो, तो उसके हिसाब से कर लेता हूँ। बच्चों ने खाना खा लिया है और उनको मैं ट्यूशन छोड़ के आ गया हूँ। कहने का मैं उनका जो एक्सप्रेशन था वो मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि हम लोग खाना खा रहे थे तो मैं शूटिंग करना भूल गया। उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला पापा आपने कुछ अलग सब्जी बनाई, अच्छी लगी है, मम्मा से अलग है, मम्मा भी टेस्टी बना दी, आप भी अलग प्रकार की टेस्टी। तो उनको दो चॉइस मिल जाती है, गुजराती नॉर्थ इंडियन, कभी नॉर्थ इंडियन, इस तरह से हम लोग फूड बना लेते, तो मज़ा आता है उन लोग को काफ़ी, वो एंजॉय करते फूड। और आज शाम को हमारे बाजू में भगवान की पूजा है, सत्यनारायण देव की पूजा है बाजू की बिल्डिंग में, जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं वहाँ बाजू में, और कल महाप्रसाद भी है। तो अभी हम लोग शाम को जाएंगे, तब दिखाएंगे वहाँ का छोटा सा गणपति, बहुत अच्छा गणपति बाजू के बिल्डिंग में, और वहाँ सत्यनारायण की पूजा में जाने वाले हम दोनों, तब आपको वहाँ के दिखाएंगे गणपति। और आप सोच रहे हो कि विकी भैया, हम विवेक भैया हमेशा यही टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन ये टी शर्ट मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी कंफर्टेबल है, तो मुझे अच्छा लगता है टी शर्ट पहनना, इसलिए मैं टी शर्ट पहन रहा हूँ। देखो पीछे कपड़े भी सूख रहे हैं, क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश आ रही है आजकल, तो इसीलिए हम लोग ने बाहर रखना छोड़ दिया है स्टैंड, वो घर में ही पड़ा रहता है।
कभी कभार ही हम लोग बाहर रखते हैं, कभी कभी मेहमान आने वाला तभी हम बाहर रख देते हैं, वरना बारिश के टाइम पे घर में रहता है। अरे घर से यानी जो हमारा ओल्ड फ्लैट है वहाँ से हम लोग ये तुलसी लाए थे, तो जब लाए तब थोड़ी छोटी थी, अभी बड़ी हो गई है देखिए तुलसी, और बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरह से तुलसी बढ़ रही है हमारे घर में, और ये भी ग्रीन ग्रीन हो गया है, लश ग्रीन। हम दोनों को ट्री का बहुत पसंद है, ट्री बहुत पसंद है। अभी सोच रहे किसी और थर्ड प्लांट का भी कुछ रखे, तीसरा प्लांट, अभी कौन सा प्लांट रखे वो देखेंगे, जो वस्तु शास्त्र के हिसाब से अच्छा होगा वही प्लांट रखेंगे। तुलसी ऐसे भी बहुत अच्छी होती है, घर में होनी चाहिए, तुलसी माता घर में होनी चाहिए। जा रहा हूँ हमारी बीवी जी के लिए चाय का तपेला, मैंने दूध निकाला है, अभी हम चाय बनाएंगे, अदरक वाली चाय पसंद है उसको। और नीचे आपको अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो वो सत्यनारायण की पूजा चल रही है हमारे बाजू की बिल्डिंग में, उसकी आवाज़ आ रहा है। जनरली हम लोग 6:30 के बीच में चाय बनाते हैं, तो आज 6 बज गए और फिर कभी भी फ़ोन आएगा अभी का, जनरली 6:30 बजे अभी का फ़ोन आ जाता है। अभी मैं अदरक डाल रहा हूँ चाय में, क्योंकि अदरक वाली चाय बहुत पसंद है उसको, हमारी बीवी जी को। वैसे हमारा 15 मिनट पहले थोड़ा झगड़ा हो चुका है, गलती मेरी थी, कुछ मैंने गलत किया था, इसकी वजह से थोड़ी सी डांट पड़ी है हमको हमारी वाइफ की तरफ से। अभी अदरक डाल के पका रहा हूँ तो इससे मजा आएगा चाय पीने का। अभी मैं फिलहाल वेब सीरीज देख रहा था, क्योंकि अभी कुछ फिलहाल काम नहीं है मेरे पास, दिवाली के बाद काम शुरू हो जाएगा। तो ये अदरक डाल चुका हूं मैं, इसको अच्छी तरह से पकाऊंगा, मैं अच्छी तरह से पकाऊंगा, देखिए। ओके, देखो अदरक डाल के चाय को मैं उबल रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले से चाय पत्ती नहीं डालता हूँ, क्योंकि चाय पत्ती डालने से फिर अगर साथ में मैं वो बॉयल करूँगा तो ज़्यादा चाय काली हो जाती है, इसलिए पहले मैं अदरक को अच्छी तरह से पका लेता हूँ फिर मैं डालता हूँ चाय पत्ती। शायद आप लोग भी वैसे ही कर रहा होगा, आप लोग भी वैसे ही करते होंगे। थोड़ा सा मेरा हिंदी अच्छा नहीं तो आप थोड़ा बेयर कर लेना मेरे साथ प्लीज़। अब मैंने चाय पत्ती डाल दी है, अब इसका थोड़ा सा कलर आने के बाद थोड़ा मीट ऊपर से मीट डाल दूंगा तो मज़ा आ जाएगा चाय पीने के। एंड नाउ आई एम एडिंग अ मिल्क, अब मैं दूध डाल रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है चाय में, डिपेंड सबकी चॉइस अलग होती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डार्क कलर, थोड़ा सा स्लाइट पसंद है, चाय जैसा कलर आना चाहिए मुझे। ज़्यादा जो कई लोग थोड़ी सी वाइटिस चाय पीते हैं, मुझे थोड़ा पसंद नहीं है। तो ये चाय कंप्लीट हो गई है, अभी हम दोनों साथ में चाय पियेंगे। ऑफिस में भी 6:30 को उसका फ़ोन आएगा अभी का, तो मुझे उसको लेने जाना पड़ेगा। और मुझे आपको एक बात कहनी ज़रूरी है कि मेरी बीवी जी को चाय कभी भी दोनों हाथ में नहीं, उसको ट्रे में लाना पसंद है, तो मैं भी ट्रे में लेके जा रहा हूँ। पहले हमारे घर में ऐसा सिस्टम नहीं था ट्रे वाला, होता था कभी 4-5 कप होते थे तो हम लोग ट्रे यूज़ करते थे, लेकिन हमारी वाइफ का है कि भाई 2 कप भी हो चाय तो भी ट्रे में ही लेके आना, इट्स लुक गुड, और सही बात है, अच्छा लगता है। तो हमारी मैडम के लिए चाय तैयार। थैंक यू मैडम। थैंक यू। मैडम का मूड थोड़ा सा गुस्से में है, मेरी से गलती हो गई थी इसलिए गुस्सा में है वो। नहीं, इसलिए थोड़ी सी हंस रही है वो। नहीं, मैं काम में हूँ बस, और काम में हमारी वाइफ बिजी है, इसके लिए हम चाय लेके आए हैं। थैंक्स। गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म। थैंक यू बेबी। तो बस अभी शाम का वक्त हो गया तो मैंने सोचा तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आरती करने भी जाना है और एक जगह पे पूजा में भी जाना है। और ये जो ब्राइट कलर्स होते हैं, ये फेस्टिवल आते आते मेरे फेवरेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे ब्राइट कलर्स पहनना, और सिल्क वगैरह ये जो भी मतलब ऐसे कपड़े होते हैं, मज़ा आता है इस टाइम पे, एक अलग ही मज़ा होता है पहनने का। तो ये मेरा चूड़ी का जो ये है ना, किसी ने मुझे पूछा था, ये चूड़ी का जो मेरा केस है ना बैंगल स्टोर करने का, ये मेरा मीशो वाला है, और मीशो से मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, और गाइज मेरी तो ख़राब नहीं निकली, भाई सच्ची बता रही हूँ, मेरी सारी चीज़ें बहुत अच्छी निकली हैं, और तबीयत बिल्कुल ठीक है विवेक की और मेरी, वी आर फिट एंड फाइन। जब से डॉक्टर ने हमारी वो मेडिसिन स्टार्ट की है ना कार्डियोलॉजिस्ट ने, तब से सब कुछ नॉर्मल है, हार्ट बीट का इशू था वो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो यू गाइज ऑल्सो चीयर अप।
तो वैसे तो गणपति विसर्जन हो चुका है, लेकिन ये गणपति विसर्जन से एक दिन पहले का है, मतलब 2 दिन पहले का। अब एक व्लॉग और आएगा, बस उसके बाद डायरेक्ट विसर्जन इनके बर्थडे का व्लॉग आएगा। एक्चुअली क्या है ना, ऑल्टरनेटिव डे व्लॉग आ रहे हैं ना, जिस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया हुआ है, और कुछ नहीं है। और ये चूड़ा मेरा, ये भी मीशो का ही है। एक्चुअली आज सब कुछ मीशो ही मीशो हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो मैंने पहन रखी हैं सब कुछ मीशो की हैं। और ये ड्रेस आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, आप लोग मुझे कोड मांगोगे, ज़रूर मांगोगे, पर ये बहुत टाइम से आउट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि ये मेरी एक फ्रेंड को भी चाहिए थी, वो भी पूछ रही थी, बट आउट ऑफ स्टॉक ही आ रही है। तो अभी शाम हो गई है, शाम का वक्त हो गया है, और तकरीबन बजे 6:30, और मैं फिर से तैयार हो गई हूँ। आप सोचोगे रोज ही रेड कलर दीदी पहन के जा रही है, तो ये तो वैसे भी सुहाग की निशानी होता है, गुड होता है। चूड़ा बूड़ा पहना है मैंने आज, मैंने कहा चलो यार, क्या होता है ना फेस्टिवल्स में ये सब पहना जाता है, नहीं तो रखा रहता है। इसकी चुन्नी बहुत ही सुंदर है, कटवर्क के साथ, मीशो का लिया हुआ सूट है ये, और इशीन ब्रांड का सूट है, और इसको मैं पहली बार नहीं पहन रही हूँ, पहले भी पहन चुकी हूँ, आपने देखा होगा। नेल प्रिंट गंदा लग रहा है, आधा छूटा हुआ, इसको लगाना पड़ेगा। और अभी बच्चे ट्यूशन में हैं, तो मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि नीचे ना वो है आज सत्यनारायण कथा है, नीचे घर के नीचे भी गणपति रखे हुए ना, तो सत्यनारायण कथा का वहाँ पे ये किया गया आयोजन, तो हमें दर्शन करने जाना है, तो वहाँ पे जा रही हूँ, अभी दर्शन करके आती हूँ, प्रसाद लेके आती हूँ। और गणपति विसर्जन परसों है, यानी कि सिर्फ कल के दिन ही अब बस बचा है गणपति फेस्टिवल, और परसों गणपति जी का विसर्जन होगा। तो अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को गणेश उत्सव की, एंड बहुत खुश हैं हम लोग, जब से नया कैमरा आया घर में, एक नया मेंबर आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। विवेक भी बहुत खुश हैं, होता है ना एक अलग सा चार्म हो जाता है, एक अलग सा इंतजार हो जाता है सीजन का, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं उनके सीजन का कि जल्दी से सीजन शुरू हो। और इंस्टाग्राम पे जिस जिसने फॉलो नहीं किया जाके कर लेना भाई, मैंने वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे रील्स बना के डाले, आज भी बनाने वाली हूँ इस वाले सूट में। एंड ऑल्सो मेरे सेकेंड चैनल का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पे भी आप फॉलो कर लेना, मतलब सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालती रहती हूँ। आज मैंने वापस से बाल धोए हैं मेरे, और मेरे इतने सारे ग्रेज हो गए हैं ना, अब बहुत ग्रेज हो गए हैं मुझे जल्दी से अब हेयर कलर करना पड़ेगा, काफ़ी ग्रेज हो रहे हैं। बट मुझे ना एक हेयर कलर का वीडियो शूट करना है, जिस वजह से मैं अभी कलर नहीं कर रही हूँ। और एकदम रेड लिपस्टिक लगाने वाली थी, लेकिन रेड फिर बहुत ज़्यादा लाउड लगती है, इसलिए मैंने पिंक अप्लाई करी है, और काजल कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया। चलो मैं आपको नीचे जाके दर्शन करवाती हूँ, मेरी चाय हो चुकी है, और नीचे जाते हैं सत्यनारायण कथा में, वहाँ दर्शन करवाती हूँ, फिर जाएंगे रात को आरती करने के लिए। विवेक से मिलवाती हूँ, वो भी घर में ही है। तैयार हो गए क्या आप? ओके। मेरा ना ये सूट मुझे टाइट आता था थोड़ा सा ना, ये देखो कितना ढीला हो गया है, ये मुझे थोड़ा सा टाइट आता था, मतलब नो डाउट थोड़ा सा ढीला था, क्योंकि मैंने XXL साइज लिया था, लेकिन अब मेरे को बहुत ज्यादा ढीला हो गया, अब इसमें मुझे सिलाई लगवानी पड़ेगी। और फेस्टिवल्स के लिए मैंने ब्लाउज भी बनने देने थे, जो कि मैंने आपको कहा भी था कुछ एक ब्लॉग में कि मैं फटाफट बनने दे दूंगी, लेकिन मैंने अभी तक नहीं दिए, मैं इतनी बड़ी पागल हूँ, मैंने अभी तक नहीं दिए। फेस्टिवल आते हैं ना तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि जब ब्लाउज नहीं होता तो फिर साड़ी पहनने का मन सा अधूरा सा हो जाता है, ब्लाउज बने हुए हो तो मन करता है हाँ ये साड़ी पहन लो वो साड़ी पहन लो। तैयार हो गए आप? दिखाना जरा क्या पहना है आपने। मैं इतने अच्छे से तैयार होके जाती हूँ, फिर ये सिंपल सा तैयार होके जाते हैं, फिर आप लोगों को भी ऐसे लगेगा और लोगों को भी। मैं भी नया पहना है। ये क्या है? मैंने कुछ नया पहना है। नया बनियान है, हमारी बीवी बहुत सुंदर लगती है। नया बनियान, ये देखो ये इनको क्या हो रहा है गाइस, ये रोमांटिक हो रे है। कैमरा ऑन है क्या? बच्चे नहीं ना है इसलिए, बच्चे नहीं है, कमर में हड्डी नहीं है, कमर में हड्डी बोलते हैं आजकल ये बच्चों को, क्योंकि हम ना बस एक पेरेंट बन के रह गए हैं। और नॉट ओनली अस, जितने भी मतलब पेरेंट्स होते हैं वो सब जो है बच्चे होने के बाद बच्चों पे फोकस्ड हो जाते हैं, और अपनी मतलब हमारी लाइफ उनके चारों तरफ ही घूमने लगती है, उनका ट्यूशन का टाइम, उनका स्कूल का टाइम, उनका ये टाइम, उनका वो टाइम, उनका खाने का टाइम, ब्ला ब्ला ब्ला, इसी में हमारी जिंदगी पूरी हो जाती है। एंड इनफैक्ट हम लोग इसको एंजॉय भी करते हैं, सभी पेरेंट्स इसको एंजॉय करते हैं, दिस इज कॉल्ड पेरेंट्सहुड। सो जो भी है जैसा भी है वी आर हैप्पी, मतलब ऐसे मजाक कर रहे थे कबाब में हड्डी, आप इसे सीरियसली ना लें। चलो नीचे जाते हैं, मैं आपको दर्शन करवाती हूँ वहां पे।
तो चलिए इट्स टाइम टू मूव नाउ बिकॉज बाजू में पूजा भी है सत्यनारायण कथा की और हम लोगों को फिर आरती करने के लिए जाना है और आजकल तो रोज़ किसी न किसी फैमिली के यहाँ जाना होता है। बहुत अच्छा लग रहा है, कभी कभी ना सोशल करके बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए, जो भी अपने करीबी लोग हैं, पहचान वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सबसे मिलते जुलते रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे कथा चल रही थी तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे तकरीबन 15 से 20 मिनट और फिर हमें निकलना पड़ा बिकॉज आरती थी ना, तो हमने सोचा प्रसाद वापस आके ले लेंगे, तो रात को लेट नाइट आएंगे तब हम प्रसाद ले लेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस हम ये करके पूजा में निकल जाने वाले हैं। तो ये वाले गणपति हैं जो मेरी बिल्डिंग में नीचे रखे, मतलब बिठाए थे, और बस अभी हम चल पड़े हैं यहाँ से बिकॉज हमें आरती करने जाना है और बच्चे भी साथ में ही हैं। और चलिए तो फिर आपको आरती एंजॉय करवाती हूँ मैं वापस से। और ये है लेट नाइट का, ये जहाँ पे सत्यनारायण कथा चल रही थी हमारे बिल्डिंग में नीचे। तो फिर हम जब पूजा करके आए ना, आरती करके, तो तब तक कथा फिनिश हो चुकी थी, तो हम यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए आए हुए हैं। चलिए व्लॉग लाइक कर देना, गणपति बप्पा मोरिया, मिलते हैं कल के व्लॉग में।